हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कंचन गायरी, योर सोशल टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हो कि जी अर्थ जो है वो एक स्फेयर नहीं है, इट हैज़ अ बल्ज इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैटनड एट द पोल्स। ये मिडल में से मीन्स बीच में से बल्ज है, मीन्स उभरी हुई है और पोल्स पर ये फ्लैट है, बिल्कुल सपाट है। यू कैन गेट द क्लियर आइडिया ऑफ हाउ द अर्थ लुक्स इन रियल बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द ग्लोब। आप अगर ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अर्थ कैसे दिखती है उसके बारे में एक रियल आइडिया हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट अ मिनिएचर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन इसे आप अपने एक मिनिएचर कह सकते हो, अर्थ का छोटा रूप कह सकते हो। अ ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक एग्जैक्ट मॉडल है। इट मे वेरी इन साइज, टाइप, मटेरियल एंड कलर। वी ए आर वाई वेरी मीन्स अलग, ये वी वो वाला वेरी नहीं है, वी ए आर वाई मीन्स अलग अलग। ये शेप में, टाइप में, मटेरियल में और कलर में अलग अलग हो सकती है। इट शोज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इन देयर करेक्ट शेप एंड साइज। ये जो है कंट्रीज़ को, देशों को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशियन को उनके शेप और साइज सही करेक्ट शेप और साइज बताती है। ऑल दो इट इज़ पोर्टेबल इन नेचर, पोर्टेबल मीन्स आप उसे कहीं पर भी ले जा सकते हो, उसे हम पोर्टेबल बोलेंगे। बट द बिग वन कैन नॉट बी कैरीड एंड मूव इजीली। ये पोर्टेबल होती है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन जो अगर बड़ा होता है मॉडल तो उसे आप आसानी से कहीं पर भी नहीं ले जा सकते हो। बट द स्मॉलर वंस आर ईजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड इजीली। लेकिन छोटे जो मॉडल होते हैं उनको आप ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। सब सच एग्जाम्पल ऑफ सम सच ग्लोब्स आर ग्लोब लाइक बलून। कुछ इसके एग्जाम्पल है जैसे कि बलून, ग्लोब लाइक बलून्स, स्मॉल पैकेट ग्लोब्स विच कैन बी इनफ्लैटन एंड कैरीड विथ ईजी। कि इनफ्लैटन ग्लोब जिसको आप बिल्कुल फ्लैट कर सकते हो और आराम से उसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। अ ग्लोब इजेंट फिक्स एंड रोटेट इन द सिमिलर वेज एज अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता और उसी तरीके से रोटेट नहीं करता है जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, सिर्फ उसका एक आइडिया मिलता है। सर्टेनली डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी प्लेस की लोकेशन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अर्थ पर बताना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। बट यस, लेकिन हाँ, थ्रू सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेज एंड लाइन्स वी कैन फाइंड आउट एंड लोकेट द प्लेस। कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी लाइन्स होती है, अगर हम उसे फाइंड कर सकते हैं तो हम उस प्लेस को आराम से बता सकते हैं। अ नीडल इज हुक्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। कि ग्लोब में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, बोथ अप एंड डाउन, एक नीडल लगाई जाती है। दिस इज नोन एट्स इस एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी एक्सिस। ये नीडल है यहाँ और यहाँ, और इसको कहते हैं कि यहाँ से ये इसकी एक्सिस बन रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन ही, इसमें तो ग्लोब में तो लगाते हैं लेकिन अर्थ में इसको एक इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर द टू पोल्स नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यहाँ पे जहाँ से ये नीडल्स पास हो रही है उसको ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। द रोटेशन ऑफ द ग्लोब कैन बी डन अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और ये जो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है। इन द सिमिलर मैनर एज द अर्थ डज, उसी तरीके से जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। द वन थिंग विच शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इज दैट, एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो है, इन रियलिटी द अर्थ हैज़ नो सच नीडल। कि रियल में अर्थ में ऐसी कोई नीडल नहीं है, इट रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ इट्स एक्सिस। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट करती है जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो इसका एक्सिस कहलाती है। अर्थ इज अनदर इमेजिनरी लाइन एज वेल, अर्थ में एक और इमेजिनरी लाइन होती है विच डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ्स हॉरिजॉन्टली, जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, और उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर, अर्थ जो है उसको इक्वेटर जो है इसको दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ बिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अर्थ का जो
नॉर्दर्न हाफ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है एंड साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ बिंग द साउदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ इक्वेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, कि अगर अर्थ पे प्लेसेस को बताना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए इक्वेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस हो जाता है। द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू बोथ द पोल्स आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। और ये जो सर्कल्स जो पैरेलल चलते हैं दोनों ही साइड में, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, बहुत दोनों पोल्स की तरफ, उनको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स जाना के नाम से जाना जाता है। द लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, ये जो लेटीट्यूड्स है वो डिग्रीज में मेजर्ड किए जाते हैं। वेयर द 0 डिग्री लेटीट्यूड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेटर, जहाँ पर जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर का रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू एनी ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जो डिस्टेंस है वो एक सर्कल जो अर्थ का राउंड लगा है उसका 1/4 है। देयरफॉर इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या है, 360 डिग्री का 1/4, और 1/4 ऑफ 360 डिग्री होता है 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इज मार्क एज द नॉर्थ पोल, तो इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इज मार्क्ड एज द साउथ पोल। ऑल पैरेलल विच आर एट द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज नॉर्थ लेटीट्यूड, जितने भी लेटीट्यूड्स जो नॉर्थ की तरफ हैं वो सारे नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाएंगे। लाइकवाइज ऑल पैरेलल विच आर एट द साउथ ऑफ इक्वेटर आर नोन एज साउथ लेटीट्यूड, और इसी तरीके से जितने भी साउथ की तरफ होंगे वो सारे साउथ लेटीट्यूड कहलाएंगे। हाउ एवर दे हैव डिफरेंट डिग्रीज, और उनकी डिग्रीज तो अलग अलग होती है। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ ऑल लेटीट्यूड इज फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, तो इसीलिए ये सारे जो लेटीट्यूड्स हैं उनकी जो वैल्यूज है वो क्या कहलाती है, नॉर्थ या फिर साउथ। ब्रॉडली द इंडिकेशन फॉर दिस इज मेड बाय द इनिशियल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, कि इसके लिए नॉर्थ और साउथ के इनिशियल्स बताइए बाय द लेटर्स स्टार्टिंग जहाँ से होती है नॉर्थ और साउथ की, उससे इनको मेंशन किया जाता है लाइक एन और एस। फॉर इंस्टेंस इफ वी कंपेयर टू प्लेसेस लाइक चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजेंटो ब्राज़ील साउथ अमेरिका, अगर हम दो प्लेसेस को कंपेयर करें जैसे चंद्रपुर जो महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजेंटो जो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड, दोनों ही 20 डिग्री लेटीट्यूड पर हैं। वेयर चंद्रपुर लाइज एट 20 डिग्री नॉर्थ, जबकि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, एंड बेलो हॉरिजेंटो लाइज एट 20 डिग्री साउथ, और बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री साउथ में है। देयरफॉर इट इज सेड दैट चंद्रपुर इज लोकेटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड बेलो हॉरिजेंटो इज लोकेटेड एट 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ है और जो बेलो हॉरिजेंटो है वो 20 डिग्री साउथ की तरफ है। इन द फिगर 2.2 वी सी दैट द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, कि अगर इस फिगर को देखें तो इक्वेटर से ये जो लेटीट्यूड्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो पोल्स पर आकर सिर्फ ये कि पॉइंट बन जाता है और सर्कल छोटे 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 होते जाते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। अब लेटीट्यूड्स के जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर द फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल है लेटीट्यूड्स के अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये तो है नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर। अब इनके अलावा भी फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स और हैं, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये है, ये और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। फिर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी 23.5 डिग्री लेटीट्यूड पर है। फिर आपका आता है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। और अंटार्कटिक सर्कल, ये भी 66.5 डिग्री है और ये आपका है साउथ की तरफ।
तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर आगे की इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हीट जोन ऑफ द अर्थ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।